समय मैं साहेबपुर कमाल विधानसभा में हूँ और श्री नारायण यादव पूर्व नगर विकास मंत्री जी का क्षेत्र है और यहाँ पे महागठबंधन की क्या परिस्थिति है, क्या स्थितियाँ बन रही हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार कौन से हो रहे हैं, मैं राजद के कार्यकर्ता लोगों से, उनके जो अधिकारी लोग हैं उनसे मैं अभी बात करता हूँ और ये जानने का प्रयास करता हूँ कि 2019 के बेगूसराय में उन लोगों की क्या भूमिका होगी और क्या वो जीत के प्रति निश्चित रूप से जीत के प्रति अपना आशा रखते हैं या क्या बात होती है। आइए मैं उनसे बात। इस क्षेत्र में जो श्री नारायण बाबू नगर विकास मंत्री का क्षेत्र है और साहेबपुर कमाल विधानसभा कहता है और यहाँ पे अभी मौजूद हैं उनके कार्यालय में, राजद के कार्यालय में पूर्व प्रमुख वीरेंद्र जी और उनके सहयोगी साथी लोग भी हैं, प्रखंड अध्यक्ष शिवशंकर बाबू, ये सारे लोग अभी मौजूद हैं और श्री नारायण यादव जी के भाई भी मौजूद हैं। मैं जानूंगा कि क्या रोल होगा 2019 में महागठबंधन की। सर क्या चाहते हैं, कैसा मतलब आप लोग का निर्णय क्या हो रहा है उम्मीदवार को? उम्मीदवार यहाँ से महागठबंधन के डॉक्टर तनवीर हसन जी हैं जी और बेगूसराय के चर्चाएं हो रही थी कन्हैया जी को भी लेकर। नहीं, कन्हैया जी से तो कभी लेफ्ट से बैठक नहीं हुआ, गठबंधन कभी थे नहीं। क्या कारण हो सकता है कि मतलब उनको मतलब अपॉइंट किया गया? वो गठबंधन में ही नहीं थे, गठबंधन में थे ही नहीं, इसलिए उन पे कोई विचार नहीं है। ये फाइनल है क्या तनवीर हसन? एकदम फाइनल है, फाइनल है, एकदम फाइनल। क्या लगता है आपको बेगूसराय संसदीय क्षेत्र एनडीए बनाम महागठबंधन? महागठबंधन के डॉक्टर तनवीर हसन जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। आत्मिक भरोसा है? एकदम भरोसा। ये भगवा वस्त्र पहन करके आप ये दावे कर रहे हैं? नहीं, तो कपड़ा है और ये राष्ट्रीय झंडा का कलर है। अच्छा, ये राष्ट्रीय झंडा का कलर। धन्यवाद। आप हमें बताएं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, उसमें 52,000 से 60,000 के बीच का अंतराल में हार जीत हुई थी। 52,000 से 60,000 के बीच में, ऐसा ही लगभग की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये 52,000 से 60,000 को आप इस 5 साल में मेकअप कर पाए? एकदम कर पाए। आज महागठबंधन थे, गठबंधन की जो अभी एनडीए वर्सेस महागठबंधन जो है, बिहार की जो परिस्थिति है उसमें जो पहले दिग्गज चुनाव जो हुआ था एनडीए उस समय 2014 का, उस समय हमारे साथ माझी जी नहीं थे, हमारे साथ कुशवाहा भी नहीं थे, हमारे साथ मुख्यमंत्री थी मुकेश सहनी जी नहीं थे, वो सभी एनडीए के हुआ करते थे। आज वो लोग हमारे साथ हैं, हम मैंने लाखों वोट से इस बार जो है बेगूसराय की सीट जो है सो जीत रहे हैं। क्या कारण है कि महागठबंधन के नेता लोग मीडिया से दूरी बना के चल रहे? दूरी नहीं है, इसे दूरी नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अभी है कि सब औपचारिक अपने अपने मान के चलिए, सांगठनिक आंतरिक जो बूथ कमेटी का बैठक जिसे हम चुनाव कैसे जीतेंगे, जीतने के क्या जो मजबूत कारण होते हैं उस कारण पर हम लोग जैसे मजबूती से काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। सर आप महागठबंधन के उम्मीदवार का नाम बता सकते हैं? डॉक्टर तनवीर हसन। आइए मैं आपको मिलाता हूँ, पूर्व नगर विकास मंत्री के सहोदर भाई हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि महागठबंधन किस स्थिति में बेगूसराय में इस समय? ये महागठबंधन जो हम लोग किए हैं ये एनडीए के माने अपना मोनोपोलियो के कारण हम लोग महागठबंधन बनाए हैं और इस महागठबंधन में हमारे प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर हसन जी जीते हैं। आपके प्रत्याशी, ये फाइनल है? जी हाँ, तनवीर हसन फाइनल। जी हाँ, जीतेंगे? जी हाँ, जीतेंगे। जीत सुनिश्चित आप मानते हैं? एकदम हम सुनिश्चित मानते हैं कि वो जीतेंगे। मीडिया से दूरी क्यों? महागठबंधन के नेता जो लोकल क्षेत्रीय नेता हैं, जी जी, वो मीडिया से दूरी क्यों? नहीं, कोई दूरी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जी नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि अभी अभी आपको पता चला है कि यहाँ बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से
तनवीर हसन का नाम महागठबंधन की तरफ से आ रहा है। ये अभी जमीनी रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, पंकज भट्ट बेगूसराय।